एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज हम आपसे बॉडी के एक बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट के बारे में बात करेंगे। हम आपसे जीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। सारे लिविंग बींग्स के पास जीन्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे वो अपने एनवायरमेंट में बिहेव करेगा। जीन्स एक सब्सटेंस से बनते हैं जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं लिविंग बींग्स को मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। जेनेटिसिस्ट एक पर्सन होता है जो जीन्स को स्टडी करता है और ये देखता है कि वो कैसे टारगेटेड हो सकते हैं लाइफ एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग लोगों को प्रोवाइड करती है कई रेंज ऑफ बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड प्लांट्स को इंक्रीज करने के लिए या ह्यूमंस में डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जीन्स आखिर क्या होते हैं। जीन्स सेक्शन ऑफ डीएनए है जो इंचार्ज होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए। डीएनए के लॉन्ग स्ट्रैंड्स जिसमें काफी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स में मिलते हैं। क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं। हर एक क्रोमोसोम डीएनए का एक लॉन्ग सिंगल मॉलिक्यूल होता है। इस डीएनए में इम्पोर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम्स का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है डीएनए को प्रोटीन के अराउंड टाइटली रैप करने के लिए, जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स हिस्टोन से सराउंडेड ना हो तो वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे सेल के अंदर फिट होने के लिए। जीन्स अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के बने होते हैं। ह्यूमंस में जीन्स साइज में कुछ 100 डीएनए बेसिस से मोर देन 2 मिलियन बेसिस तक रेंज करते हैं। अलग अलग लिविंग थिंग्स में अलग अलग शेप्स एंड नंबर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल ऑफ 46। डोंकी में 31 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हेजहॉग में 44 और फ्रूट फ्लाई में सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है जो ईच स्पीशीज को यूनिक बनाते हैं। डीएनए अदर ऑर्गेनिज्म से उनके ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के टाइम पास होता है। डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और 4 नाइट्रोजन बेसिस में से एक टाइप का नाइट्रोजन बेस। तो जीन्स किससे बनते हैं? जीन्स टोटल 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस या केमिकल्स के लॉन्ग कॉम्बिनेशन कंसिस्ट करते हैं। इनके कई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मेन 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पहला एडेनिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा गुआनिन और चौथा थायमिन। इन लेटर्स ए सी जी टी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लोगों को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अगर कॉम्बिनेशन ए टी सी जी डबल टी हो तो उसके पास ब्लू आईज हो सकती हैं, और अगर किसी के पास कॉम्बिनेशन ए टी सी जी सी टी हो तो उसके पास ब्राउन आईज हो सकती हैं। जीन एक टाइनी सेक्शन लॉन्ग डीएनए का डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स को कंसिस्ट करता है। जीन डीएनए का कोई भी सेक्शन हो सकता है। डीएनए इंस्ट्रक्शंस के साथ एनकोडेड होते हैं जो अलाउ करते हैं सेल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो यूजुअली प्रोटीन होता है, जैसे कि एक एंजाइम जो ट्रिगर करता हो कोई एक प्रिसाइज एक्शन को। हर इंसान की बॉडी में हर एक के सेल में सेम डीएनए होता है, लेकिन हर इंसान का डीएनए डिफरेंट होता है। इस वजह से ईच पर्सन हैज यूनिक क्वालिटीज। डीएनए 2 लॉन्ग पेयर्ड स्ट्रैंड्स का बना होता है जो स्पाइरल होते हैं फेमस डबल हेलिक्स में। हर एक स्ट्रैंड में मिलियंस ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसे बेसिस कहा जाता है। तो जीन्स का क्या फंक्शन होता है? लिविंग बीन का हर कुछ जीन्स डिसाइड करते हैं। एक और उससे ज्यादा जीन्स अफेक्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेट को। जीन्स अफेक्ट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि क्या किसी पर्सन को कौन सा पर्टिकुलर कलर ऑफ आंखें मिलेंगी या फिर वो कौन सा डिजीज डेवलप कर सकता है। कुछ डिजीजेस जैसे कि सिकल सेल अनीमिया और हंटिंगटन्स डिजीज इनहेरिटेड होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जीन्स कहाँ से आते हैं।
जीन एक बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। हम इनहेरिट कर सकते हैं अपने फिजिकल ट्रेट्स और सर्टेन डिजीजेस एंड कंडीशंस होने के चांसेस अपने पेरेंट्स से। हर सेल में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेट मदर से मिलता है और दूसरा हमारे फादर से। मेल स्पर्म और फीमेल एग कैरी करता है सिंगल सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स ईच, जिसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस जो एक्स या वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल इनहेरिट करती है एक्स क्रोमोसोम को ईच पेरेंट से, लेकिन मेल इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम मदर से और वाई क्रोमोसोम अपने फादर से। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP एक मेजर साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है। ये मॉडर्न साइंस में लार्जेस्ट सिंगल रिसर्च एक्टिविटी है। इसका एम है ये डिटरमाइन करना कि केमिकल पेयर्स के सीक्वेंस को जो ह्यूमन DNA मेकअप करता है, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई और मैप करना कुछ 20,000 टू 25,000 जीन्स को जो ह्यूमन जीनोम को मेकअप करती है। ये प्रोजेक्ट 1990 में इंटरनेशनल रिसर्चर्स के ग्रुप ने स्टार्ट किया था, द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH और द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। इसका गोल था 3 बिलियन लेटर्स या बेस पेयर ऑफ जीनोम में सीक्वेंस करना जो कंप्लीट सेट ऑफ DNA ह्यूमन बॉडी में मेकअप करते हैं। ऐसा करने से साइंटिस्ट होप करते हैं रिसर्चर्स को पावरफुल टूल प्रोवाइड करने में, ना ही सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स को ह्यूमन डिजीजेस में समझने के लिए, बल्कि ये न्यू स्ट्रैटेजीज को लाने में हेल्प करेगा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए। HGP 2003 में कंप्लीट हुआ था और सारी जनरेटेड डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है फ्री एक्सेस के साथ। ह्यूमंस के अलावा HGP ने अदर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स को भी देखा, जैसे कि फ्रूट फ्लाई और इकोलाई को। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन से ज्यादा या कॉम्बिनेशन ऑफ ACGT मिले हैं ह्यूमन जीनोम या कलेक्शन ऑफ जेनेटिक फीचर्स में जो ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं। ह्यूमन जीनोम को मैप करने से साइंटिस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट 100 ऑफ डिजीजेस के लिए डेवलप कर पा रहे हैं। इससे रिसर्चर्स को आसानी हुई है उस जीन्स को कुछ ही दिन में ढूंढने में जो सस्पेक्टेड हैं इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए। इस रिसर्च से पहले उस पर्टिकुलर जीन को ढूंढने के लिए सालों लग जाते थे। आई होप आपको जीन्स के पीछे की सारी साइंस मालूम हो गई होगी और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी समझ आ गई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें और उन्हें भी जीन्स के बारे में अवेयर करें। टेक केयर, स्टे सेफ, रिगार्ड्स ग्लैमडिया।